Good morning, students. Welcome to this online class. This is R.K. Sharma, Railway Higher Secondary School, number 1, Bilaspur, Chhattisgarh. प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है. आज हम लोग एक बार पुनः कक्षा ठीक है बच्चों, आज का ये कार्यक्रम, आज का ये क्लास जिसे आप हाफ ईयरली एग्जाम भी कहते हैं आरंभ होने वाला है और इस बारे में आपको सूचना दे दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कि किस समय होगा. इसलिए अब हम लोग उस टेस्ट 2 संबंधी कुछ रिवीजन वर्क आज से आरंभ करते हैं. वैसे तो मैं कुछ रिवीजन वर्क पिछले एक दो क्लास से आरंभ कर चुका हूं, परंतु अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा, कुछ यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ व्हाट्सएप नोट्स के थ्रू भी आपको क्वेश्चन दूंगा. कहने का मतलब मैं कुछ यहाँ समझाऊंगा, उसके बाद उस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपके सामने यहाँ मैं डिस्कस करूंगा और उनके उत्तर भी बताऊंगा. तत्पश्चात हम आज का ये जो यहाँ का पढ़ाई लिखाई का कार्य है ये आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा, परंतु मैं इसके अलावा व्हाट्सएप में आपके जो नोट्स होते हैं वो भी मैं भेजूंगा, लेकिन इस बार नोट्स की जगह अब असाइनमेंट होगा. उस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, घर में प्रैक्टिस करना होगा. तो ठीक है बच्चों, अब आपसे हम लोग कुछ पुनरावृत्ति का कार्य आरंभ करते हैं और इस सिलसिले में सबसे पहले हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक का सबसे पहला पाठ जो कि एक कविता है मन के भोले भाले बादल, इस कविता से हम अपना ये रिवीजन स्टार्ट करते हैं. हमारा पाठ है टेस्ट 2 का, ये रिवीजन में क्या करते हैं और आज का हमारा पाठ है मन के भोले भाले बादल. मन के भोले भाले बादल, बच्चों ये एक कविता है. कविता के जो रचयिता है यानी जो कवि है वो है कल्पनाथ सिंह. कल्पनाथ सिंह मतलब इस कविता को जिन्होंने रचा है, लिखा है, बनाया है उनका नाम है कल्पनाथ सिंह. तो आज हम इस चैप्टर के बारे में, इस कविता के बारे में कुछ जानेंगे. सबसे पहले बच्चों मैं इस कविता को आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए. झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल. ये हमारी कविता की प्रथम चार लाइन है. झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल. अब आगे बढ़ते हैं. कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख फैलाए, आपस में टकराते रह रह शेरों से मत वाले बादल. कुछ तो लगते हैं तूफान, कुछ रह करके करते शैतान,
कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रहकर छत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो ये है आज की हमारी कविता मन के भोले भाले बादल। अब इस कविता के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैं इस ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको आप समझने का प्रयास करिए। प्रथम की कुछ जो लाइनें हैं, यानी जो फर्स्ट स्टेंजा है, चार लाइनें जो शुरू की हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि कहता है, झब्बर झब्बर बालों वाले, यानी यहाँ बादल को क्या कहा गया है, इनके बाल कैसे हैं, बादलों के बाल कैसे हैं, झब्बर 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 झब्बर। ध्यान रखिएगा, यहां बादल के जो बाल हैं वो कैसे बताए गए हैं, झब्बर। उसी तरह बादल के जो गाल हैं, इसके बारे में यहां कुछ बातें बताई गई हैं। बादलों के गाल कैसे हैं, गुब्बारे के जैसे, गुब्बारे के जैसे। बादलों के बाल, बादलों के गाल गुब्बारे के जैसे। तो कुछ खास बातें आप ध्यान दे रहे हैं, कवि ने बादलों के जो बाल हैं उनको झब्बर झब्बर बताया है, इसके अलावा बादलों के जो गाल हैं वो गुब्बारों को जैसे। ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। लगे दौड़ने आसमान में, जैसे प्रश्न उठता है कि आसमान में कौन दौड़ लगाता है, तो हम कहेंगे बादल आसमान में दौड़ लगाते हैं। बादलों के बाल कैसे हैं, बादलों के बाल झब्बर झब्बर हैं। बादलों के गाल कैसे हैं, बादलों के गाल गुब्बारे के जैसे हैं। तो इस तरीके से आपके प्रश्न उठेंगे, प्रश्न बनेंगे, जिनका आपको उत्तर देना होगा। झूम झूम कर काले बादल, और इसमें एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि बादलों, ये जो बादल होते हैं ये किस किस रंग के होते हैं, तो आप कह सकते हैं काले बादल, सफेद बादल, बादलों के कुछ रंगों के नाम बताओ, तो आप काले सफेद गुलाबी आदि बादलों का नाम ले सकते हैं। अब आगे वाली लाइनों में हम जाते हैं, जिसमें कहता है कुछ जोकर से तोन फुलाए। अब यहाँ बादल को कहा गया है जोकर से, जोकर के जैसे, जोकर से, जोकर से क्या कर रहे हैं, तोन फुलाए, तोंद फुलाए। अब यहां कवि कहता है कि ये जो बादल हैं, ये क्या कहते हैं, जोकर की तरह तोंद फुलाए, या फिर इसके आगे और भी कुछ बातें बता रहा है। कहता है हाथी से, अब हाथी से मतलब हाथी की तरह क्या करते हैं, सूंड उठाए, सूंड उठाए। अब यहां कवि कह रहा है कि ये जो बादल है ये हाथियों से, यानी हाथी की तरह क्या काम करते हैं, सूंड उठाए, अपने सूंडों को उठाते हैं। जोकर की तरह क्या करते हैं, तोन फुलाए, अपनी तोन को फुलाते हैं। इसी तरह और भी यहां बता रहा है ऊंटों से, ऊंटों से। अब ऊंटों जैसा कौन सा कार्य कर रहे हैं, ऊंटों जैसे कुबड़ वाले, देखिए कुबड़, कुबड़ वाले। यानी यहां बादलों को कवि कहता है कि बादल ऊंटों के जैसे कुबड़ वाले हैं, यानी ऊंट के ऊपर जो उसकी पीठ होती है ना, बैक पीठ, उसकी पीठ ऊपर से थोड़ी सी उठी हुई होती है, तो उसी को यहां समझाया जा रहा है कुबड़ वाले। यहां देखेंगे ऊंट की पीठ उठी हुई ऐसी रहती है,
गौरवाग है। प्रश्न उठ सकता है कि कवि ने ऊंटों के कुछ किस गुण की यहाँ तुलना की है या ऊंटों के किस गुण के बारे में बताया है बादलों को लेकर, तो हम कहेंगे ऊंटों से गौरव वाले। इसी तरह यहाँ है बादलों के बारे में एक और बात कहा जा रहा है, कुछ परियों से, अब यहाँ परियों से तुलना किया जा रहा है, परियों से। अब परियों जैसा कौन सा कार्य कर रहे हैं यहाँ बादल? पंख फैलाए, चिड़िया पंख फैलाती है ना, उसी प्रकार परियों जैसा पंख फैलाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कवि के बोल रहा है कि बादल परियों जैसा कौन सा कार्य कर रहे हैं? पंख फैलाए, पंखा नहीं, पंख फैलाए, ठीक, परियों जैसा पंख फैलाए, ऊंटों जैसा कुबड़ वाले, हाथी सा सूंड उठाए, जोकर सा टोन फुलाए। तो इसमें प्रश्न भी बन सकता है कि ये इसमें कवि ने इन जानवरों को लेकर या इन व्यक्तियों को लेकर जिसका भी नाम ले लेता है कि कवि ने हाथियों की किस गुण को या किस प्रवृत्ति को यहाँ बताया है जिसकी तुलना बादलों से की है, तो हम कहेंगे हाथी से सूंड उठाए। उसी प्रकार पूछ सकता है कि कवि ने जोकर के किस गुण की तुलना बादलों से की है? टोन फुलाए। ऊंटों के किस गुण से की है? कुबड़ वाले। परियों के किस गुण से की है? पंख फैलाए। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। अब यहाँ बादल को किसके जैसा मतवाला बताया गया? बादल को किसके जैसा मतवाला? मतवाला किसके जैसा, किस चीज के जैसा बादल मतवाला है? तो शेरों जैसा, शेरों की तरह बादल मतवाला है। या कवि यहाँ बता रहा है, कवि कहता है कि जो बादल है ये शेरों जैसे मतवाले होते हैं। आगे कहता है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करके शैतानी। अब यहाँ कवि कहता है कि बादल कभी कभी बहुत शैतानी करते हैं और कभी कभी बहुत वो तूफानी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तूफानी, यानी जब बादल आते हैं तो अपने साथ तूफान लाते हैं। तूफान का मतलब समझ रहे बच्चों? तेज हवाएं, आंधी, बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो उसे हम तूफान कहते हैं। तो बादलों की यहाँ कुछ हरकतों के बारे में बता रहा है कवि कि बादल कभी कभी बहुत शैतानी करते हैं, शरारते करते हैं और कभी कभी बड़े ही तूफानी हो जाते हैं, तूफान लाते हैं, तेज हवाएं लाते हैं। आगे देखिए, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। अब कभी कभी ये क्या करते हैं? कभी बोल रहा है ये किसकी इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। यहाँ कवि ने बादलों का जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन या आप कह सकते हो उसे एक व्यक्ति की तरह मान लिया, उसका व्यक्तिकरण कर दिया, मतलब उसे एक मानव की तरह समझ लिया है कि जैसे कि वो जीता जागता एक इंसान है, एक मानव है। ऐसा कवि ने यहाँ कल्पना किया है, ऐसी इमेजिनेशन की है कि बादल एक इंसान की तरह हो गया है और उसने इंसानों के गुणों के बारे में बताने लगा है कि जैसे इंसान अलग अलग कार्य करता है उसी तरह बादल भी अलग अलग प्रकार की व्यवहार दर्शाता है। कभी वो शैतानी करता है, कभी तूफानी बन जाता है। आगे कहना है, थैलों से चुपके, यानी कभी कभी बादल ऐसा लगता है थैलों में चुपके से छुपा हुआ है, फिर अचानक बाहर आके झर 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 बरसाता पानी और फिर झर 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 पानी बरसाने लगता है। यानी कभी कभी वो थैलों में छुपा बैठा रहता है, फिर अचानक थैलों से बाहर निकल आता है और झर 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 पानी बरसाने लगता है, वर्षा करने लगता है।
कुछ इस प्रकार की व्यवहार यहाँ कवि बता रहा है बादलों के बारे में। फिर ऊपर कहता है, आगे कहता है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब यहाँ बता रहा है कि ये जो बादल है कभी कभी क्या काम करते हैं, ये ढोलक बजाने लगते हैं। ढोलक ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी कभी कभी बादल ढोलक ढोल बजाते हुए प्रतीत होते हैं। आप जानते हैं ना, जब पानी बरसता है गरजते हैं, तो वो जो बादल का गरजना है वो यहाँ कल्पना कर ली गई है कि जैसे वो ढोलक बजा रहे हैं, ढम 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 कर रहे हो, गड़गड़ा रहे हो। तो जब बादल गड़गड़ाता है तो यहाँ कवि ने कल्पना की कि जैसे वो ढोलक बजा रहे हो, ढोलक ढोल बजाते बादल। ठीक, आगे देखते हैं, रह रह कर छत पर आ जाते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि जब आप छत पर जाएंगे अपने मकान की, अपने घर के, तो ऊपर छत पर से आपको ऊपर आसमान की तरफ ये बहुत सारे बादल नजर आते हैं, तो रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते हैं। यानी कभी कभी अचानक छत पर नजर आ जाएंगे और थोड़ी देर में ये सारे बादल फिर उड़ के कहीं और चले जाते हैं। यानी ये जो बादल है ये इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, आवागमन इनका लगा रहता है। कभी छत पर आ जाते हैं और कभी उड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। और कभी कभी बादल कैसे बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं। और जिद्दी बनने पर क्या करते हैं, नदी और नालों में बाढ़ ले आते हैं। समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कवि कहता है कभी कभी बादल बहुत जिद्दी हो जाते हैं। जिद्दी जाने का यहाँ मतलब है कि कभी कभी बादल बहुत घनघोर वर्षा करते हैं, लगातार पानी बरसाता जाता है, रुकता ही नहीं है, कंटिन्यू पानी बरसता जाता है, बरसता जाता है, बरसता जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे बादल एकदम जिद पे आ गए हैं कि नहीं, आज खूब पानी बरसाना है, खूब वर्षा करनी है। तो बादल एकदम जिद पे आ गए हैं और जिद पे आकर इतना पानी बरसाते हैं कि उसे क्या होता है, नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, नदी नालों में पानी भर जाता है, वो अपने किनारों को पार करके दूर तक निकल जाता है। तो इस तरह नदी नालों में बाढ़ आ जाती है जब बादल जिद पे आ जाते हैं। आगे देखिए, फिर भी लगते हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। अंत में कवि फिर कहता है कि इतना सब हरकतें करने के बावजूद भी, अनेक प्रकार की हरकतें यहाँ बादल कर रहा है, उसके व्यवहार के बारे में यहाँ कवि बता रहा है कि बादलों का अनेक प्रकार का यहाँ व्यवहार है। कभी कुछ हरकत करते हैं, कभी किसी का रूप ले लेते हैं, कभी जिद्दी हो जाते हैं, कभी ढोलक बजाते हैं, कभी मतवाले हो जाते हैं तेज की तरह, कभी तूफानी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अनेक हरकतें करने के बावजूद भी अंत में कवि कहता है कि उसे ये जो बादल है ये बहुत मन के भोले भाले प्रतीत होते हैं। यानी कवि कहता है कि ये जो बादल है ये बहुत भोले होते हैं, इनका मन बहुत साफ होता है, ये बिल्कुल मन के भोले भाले होते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये कविता यहाँ समाप्त होती है। अब इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे उन प्रश्नों को मैं यहाँ आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कुछ प्रश्न, आप इसके उत्तर डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिखिए, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप इन प्रश्नों को पढ़ते जाइए और पढ़ पढ़ के उत्तर लिखते जाइए, मैं कुछ मिनटों का समय आपको दूंगा। हाँ, आप उस दौरान अपना ये कार्य करिएगा, उत्तर लिखिएगा, ठीक है। मैं एक एक करके प्रश्न लिख रहा हूँ। पहला प्रश्न में आप कह सकते हैं, जैसे कवि ने बादलों के किस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बताया, यानी कवि ने बादलों को किस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बताया है या जीव बताया है, या फिर और इससे अगर आसान में चल जाए तो चलिए एक प्रश्न ये लिखते हैं, छोटा प्रश्न देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में बड़ा हो रहा है। वर्षा होने पर बादल क्या करते हैं, वर्षा होने
पर बादल क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब आप इसका उत्तर डायरेक्ट कॉपी में लिखिए, मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने बर्फ के समान किसे सफेद कहा है? कवि ने बर्फ के समान किसे सफेद कहा है? किसे सफेद कहा है? ठीक, कवि ने बर्फ के समान किसे सफेद कहा है? आगे है, कविता के आधार पर पूरा करो। प्रश्न नंबर 3, कविता के आधार पर पूरा करो। जैसे हमने यहां लिख दिया, परियों से, अब इसके आगे आपको खाली जगह भरना है। परियों से क्या चीज होगा? ठीक, आगे है, कविता में सेब के किस गुण की तुलना बादलों से की गई है? प्रश्न नंबर 4, कविता में सेब के किस गुण की तुलना बादलों से की गई है? बादलों से की गई है। प्रश्न नंबर 5, देखिए, कौन थैलों से चुपके से जल बरसाते हैं? कौन थैलों से चुपके से जल बरसाते हैं? कौन है जो चुपके से जल बरसाते हैं? प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए, बादल वर्षा करते समय क्या करते हैं? बादल वर्षा करते समय क्या करते हैं? जब बादल वर्षा करते हैं तो क्या करते हैं? देखिए ये सब प्रश्न, वर्षा होने पर बादल क्या करते हैं? कवि ने बर्फ के समान किसे सफेद कहा है? कविता के आधार पर पूरा करो। परियों से, कविता में शेर के किस गुण की तुलना बादलों से की गई है? कौन थैलों से चुपके से जल बरसाते हैं? कौन है जो थैलों से चुपके से जल बरसाते हैं? अंत में है, बादल वर्षा करते समय क्या करते हैं? वर्षा करते समय बादल क्या करते हैं? आपको लिखना है, फिर से देखिए, पहला प्रश्न, वर्षा होने पर बादल क्या करते हैं? कवि ने बर्फ के समान किसे सफेद कहा है? कविता के आधार पर पूरा करो। परियों से, आगे खाली स्थान, कविता में शेर के किस गुण की तुलना बादलों से की गई है? शेर के किस गुण की तुलना? क
कौन थैलों से चुपके से जल बरसाते हैं? कौन बरसाते हैं थैलों से जल? और बादल वर्षा करते समय क्या करते हैं? वर्षा करते समय बादल क्या करते हैं? चलिए मैं एक एक करके ऊपर वाले को मिटाकर एक एक करके उत्तर लिखता जा रहा हूँ। देखते जाइए, पहला प्रश्न था वर्षा करते समय क्या करता है, वर्षा होने पर बादल क्या करते हैं? तो वर्षा होने पर बादल क्या करते हैं? गरजते हैं। क्या करते हैं? गरजते हैं। अब ये उत्तर बन गया, वर्षा होने पर बादल क्या करते हैं? गरजते हैं। अब उत्तर नंबर दो, कवि ने बर्फ के समान किसे सफेद कहा? बर्फ के समान किसे सफेद कहा है? कवि ने बर्फ के समान किसे सफेद कहा है? यह ठीक कहा आपने, बादलों को। कवि ने बादलों को बर्फ के समान सफेद कहा है। उत्तर नंबर तीन, कविता के आधार पर पूरा करो परियों से। तो परियों से कौन सा गुण है? परियों से पंख फैलाए। ठीक कहा, परियों, परियों से पंख फैलाए। परियों की जैसे क्या करते हैं? पंख फैलाते हैं। ठीक, परियों से पंख फैलाए। अब आया उत्तर चार, कविता में शेर के किस गुण की तुलना की गई है बादलों से? याद आ रहा होगा बच्चों आपको, अभी हमने बताया भी था किस गुण के तुलना की गई है शेर के? मतवाले। शेर बहुत मतवाला होता है ना, तो मतवाले गुण की तुलना की गई है। बस अब पांचवा देख लीजिए, कौन थैलों से चुपके से जल बरसाता है? आपको याद आ रहा होगा चुपके से जल कौन बरसाता है थैलों से निकलकर? बादल। और अंतिम है, बादल वर्षा करते समय क्या करते हैं? आपको याद आ रहा होगा वर्षा करते समय बादल क्या करते हैं? ढोलक ढोल बजाते हैं। ढोलक ढोल बजाते हैं। ठीक, समझ गए बच्चों, आपको उसका समझ में आ गए होंगे, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बच्चों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आगे का रिवीजन वर्क करेंगे। मैं व्हाट्सएप नोट्स में आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, कुछ प्रश्न दूंगा जिनका आपको उत्तर लिखना होगा। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित होने के लिए। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि COVID-19 से बचने के जो भी उपाय हैं सख्ती से उन उपायों का पालन करिए और घर में सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।